हेलो रियन, वेलकम टू पाठक गेम। आज हम डिस्कस करेंगे डिटरमाइनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इससे पहले ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो अपलोड हो चुका है, एक बार उसको आप देख लेना। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो बीएससी में आप डाइपोल मोमेंट को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो डाइपोल मोमेंट निकालने का, डिटरमाइनेशन करने का अलग अलग मेथड होता है। तो अभी हम देखते हैं टेम्परेचर मेथड। ठीक है, तो टेम्परेचर मेथड क्या बोलता है? टेम्परेचर मेथड, दिस इज बेस्ड ऑन डीवाई इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ एक्यूरेट मेथड। तो डीवाई मेथड क्या बोलता है कि मॉलिक्यूल पोलराइजेशन इक्वल टू इंड्यूस पोलराइजेशन प्लस ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बाय अ डिस्टेंस ऑफ एन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, सिंपल से स्टेटमेंट है। तो इन सब का ना, जो पढ़ रहे हैं उसका नीचे डायग्राम देखेंगे तो आपको ऐसी समझ आ जाएगा। बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्यूब होता है, इसमें जो आयन होता है वो सब मिक्स होता है। ठीक है, बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। ठीक है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसमें आयन जो है पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसी को क्या बोलते हैं पोलराइजेशन। सिंपल से स्टेटमेंट यार, इतना आसान तो शायद ही कहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी इजी हो। ठीक है, देन इंड्यूस पोलराइजेशन, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज वन इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एच टू है, ओ टू है। तो एग्जांपल देखते हैं, मतलब डायग्राम देखते हैं। तो इसमें देखो पहले क्या है, एक सैंपल लिए हैं, इसके जो आयन्स है ना, वो आयन्स है वो रेंडमली कहीं पर भी है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और एक साइड पॉजिटिव लेते हैं एक साइड निगेटिव, तो इसके जो आयन है ना उनमें मूवमेंट चालू हो जाता है और वो अपने जगह से इधर उधर होने लगते हैं, और जितने भी माइनस वाले आयन हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और जो प्लस वाले आयन हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देन ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ठीक है, इसको पीओ से शो करते हैं। इट मॉलिक्यूल आर परमानेंट डाइपोल, दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसको BSc में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि BSc में ये बहुत अच्छे से टॉपिक है। तो HCl में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन क्या है, सबसे पहले एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन 17 है। ठीक है, अगर इसके हम एटॉमिक वेट का बात करें तो 34 समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसीलिए जब इनके बीच बॉन्ड होता है ना, जैसे कि ये वाला बॉन्ड, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज जाता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाता है। इसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे शो किया गया, कुछ नहीं है, सिंपल से है। ओके, आपको सिर्फ समझना है यार, बाकी तो स्टेटमेंट आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट के HCl है, HBr है, कई एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, देन पोलर मॉलिक्यूल आर रेंडमली ओरिएंटेड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे ओरिएंट देमसेल्फ इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें क्या है कि जो आयन्स है ना वो रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, कोई इधर है कोई इधर है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो सारे नेगेटिव एक साइड सारे पॉजिटिव एक साइड। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे शो होता है। ओके, तो एक ऐसा कुछ एक इक्वेशन टाइप है, चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, तो बेसिकली बताने का मतलब यही था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, आपके थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ओके, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर मेथड से डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन का भी आ जाता है। ओके, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।